साल 1962 का भारत चीन युद्ध। दोनों देशों के बीच हुई इस लड़ाई में भारत को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस युद्ध ने हमें कई ऐसे वीर योद्धाओं के बहादुरी के किस्से दिए जिनके नाम से दुश्मन खौफ खाते हैं। ऐसा ही एक नाम था मेजर शैतान सिंह भाटी, जिन्होंने अपने 120 जाबाज जवानों की मदद से 1400 चीनी सैनिकों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। मेजर के उस अदम्य साहस के लिए साल 1963 में उन्हें वीरता के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया था। अठारह नवंबर 1962 लद्दाख का चुशुल सेक्टर, जहां कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी के 120 जवानों की तैनाती थी। अपनी ड्यूटी निभा रहे उन 120 जवानों को दो मुश्किलों का मुकाबला करना था। जवानों की पहली मुश्किल थी लद्दाख की जमा देने वाली ठंड और दूसरी मुश्किल 1400 चीनी सैनिक। ठंड का जिक्र इसलिए क्योंकि वहां पर तैनात सभी जवान उस माहौल के लिए नए थे। सी कंपनी की उस बटालियन की अगुवाई कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। 18 नवंबर को सुबह 3:30 बजे भारतीय जवानों को रेजांग लाग के पास कुछ हलचल होती दिखाई दी। चीन की तरफ से टिमटिमाता हुआ गोला उनके काफी करीब आते जा रहा था। दरअसल चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा जमाने के लिए एक चाल चली थी। उन्हें पता था कि भारतीय जवानों के पास 1000 हथगोले और लगभग 400 राउंड गोलियां बची हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए उन्होंने यॉक के गले में लालटेन बांधकर उन्हें सीमा के पास छोड़ दिया। चीनी सैनिकों को लगा था कि भारतीय जवान रोशनी को देखते हुए फायरिंग शुरू कर देंगे और उनका सारा स्टॉक खत्म हो जाएगा। चीन की चाल समझते ही मेजर शैतान सिंह ने सीनियर ऑफिसरों से वायरलेस के जरिए मदद मांगी, लेकिन जवाब मिला कि अभी मदद नहीं मिल सकती, आप अपने साथियों की जान बचाएं और चौकी छोड़कर पीछे हट जाएं। लेकिन मेजर को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने अपने बटालियन को सारी बातें बताते हुए कहा कि जो पीछे हटना चाहता है हट सकता है, लेकिन हम लड़ेंगे। मेजर के हौसले को देखते हुए 120 जवानों ने भी लड़ने का फैसला किया। चीन ने हमला शुरू किया और उसके हमले का जवाब देते हुए भारतीय सेना भी डटी रही, लेकिन चीन की तरफ से हो रही ताबड़तोड़ हमले के सामने धीरे धीरे करके ज्यादातर सैनिक मारे गए। मेजर बुरी तरह घायल हो चुके थे। मेजर की जान बचाने के लिए उनके दो साथी उन्हें बर्फीले चट्टान के पीछे लेकर गए। वो चाहते थे कि मेजर मेडिकल हेल्प के लिए पहाड़ी से नीचे जाए, क्योंकि चट्टान पर कोई मेडिकल हेल्प मौजूद नहीं थी। मेजर शैतान सिंह ने मेडिकल हेल्प लेने से मना कर दिया। खून से लथपथ होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने दोनों सैनिकों को मशीन गन लाने का आदेश दिया। मशीन गन आने के बाद उन्होंने जवानों को कहा कि वो उनके पैर में ट्रिगर की रस्सी बांध दें, ताकि वो चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए फायरिंग कर सके। भारत और चीन के बीच हुई उस लड़ाई में मेजर और उनकी बटालियन शहीद तो हो गए, लेकिन उनकी जवाबी कार्रवाई ही थी कि चीनी सैनिकों को अपने कदम पीछे मोड़ने पड़े थे। उस लड़ाई में चीन को सबसे ज्यादा नुकसान रेजांग ला सेक्टर में ही हुआ था। वही एक जगह थी जहां से चीनी सैनिक अंदर नहीं घुस पाए थे। युद्ध खत्म होने के 3 महीने बाद जब उस एरिया में बर्फ पिघली, तब रेड क्रॉस सोसाइटी और सेना के जवानों ने मेजर और उनके साथियों को ढूंढने की कोशिश शुरू की। ढूंढने के दौरान उन्हें एक गडरिये ने बताया कि ऊपर चट्टान के पास कुछ दबा हुआ दिख रहा है। गडरिये के कहने के बाद सारे लोग चट्टान के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि मेजर का शव मशीन गन के साथ वहां पड़ा हुआ था। उनके पैरों में अभी भी रस्सी बंधी हुई थी। वीरगति में आज के हीरो थे मेजर शैतान सिंह। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।